Hi kids, welcome to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your book that is Literary Journeys for Class 3 by Brain Root Publications. Children, so far we have done 5 chapters of your book and today we are going to start with chapter number 6. What is the title of the chapter? The Mouse's Tail, yani एक चूहे की पूंछ। आइए ये इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ते हैं और जानते हैं कि स्टोरी में क्या क्या हुआ। नाउ बिफोर वी रीड द चैप्टर लुक एट दीज टू पिक्चर्स। वन इज द पिक्चर ऑफ अ सिटी एंड सेकेंड इज अ पिक्चर ऑफ अ विलेज। वेयर डू यू गेट अ स्टेट ऑफ कंप्लीट पीस, आपको शांति कहाँ मिलती है। वेयर विल यू गेट फ्रेश एयर एंड व्हाई, आपको शांति जो है वो भी गांव में मिलेगी, विलेज एरियाज में मिलेगी और फ्रेश एंड क्लीन एयर भी विलेज एरियाज में मिलेगी। कैन यू टेल व्हाई? बिकॉज सिटीज़ आर यूजुअली वेरी बिजी, शहर में हर कोई भाग रहा है किसी ना किसी काम के लिए, सब बिजी हैं और शहरों में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ विलेजेस आर मच मोर क्लीनर एंड फ्रेश, सिटीज़ के कंपैरिजन में विलेजेस जो हैं वो ज़्यादा फ्रेश और क्लीन रहते हैं। ठीक है, एशप वॉज अ राइटर अबाउट होम नॉट मच इज नोन, ही रोट मैनी स्टोरीज अबाउट एनिमल्स एंड एंडेड विद अ मॉरल और अ लेसन फॉर ऑल, दी स्टोरीज आर कॉल्ड फेबल्स। एशप एक पर्सन थे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे राइटर थे और वो अपनी स्टोरीज़ में जो मेन कैरेक्टर्स थे वो ज़्यादातर एनिमल्स को रखते थे और एनिमल्स के थ्रू वो जितनी भी इम्पॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज़ है वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो उनके मॉरल बेस्ड स्टोरीज़ हैं इनको हम फेबल्स बोलते हैं। ऑलराइट, आज हम एक ऐसे ही एशप्स फेबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो एक माउस की स्टोरी है। So let's begin. A brown mouse lived under a hedge in the countryside. एक brown color का चूहा एक countryside में एक hedge के नीचे रहता था। One day his cousin from the town came to visit him. जैसे हमारे cousins हमें मिलने आते हैं उसी तरह ये जो चूहा था उसका भी एक cousin शहर से उससे मिलने आया। I thought I would try out life in countryside, said the town mouse. जो टाउन माउस था उसने कहा कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन गांव में बिता के गांव का जीवन देखूँगा और क्यों ना यहाँ पर रह के मैं गांव का वातावरण एन्जॉय करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखूँ कि शहर और गांव में क्या क्या डिफरेंस है। ओह यू विल लव इट हेयर, रिप्लाइड द ब्राउन कंट्री माउस। ही डिड एवरीथिंग ही कुड टू लुक आफ्टर हिज टाउन कज़न। He gave him best piece of grass to sleep on and tastiest nuts to eat. Now what happened? जब हमारे घर में हमारे relatives आते हैं हम उनकी बहुत देखभाल करते हैं, बहुत खातिर करते हैं, right? हम उनके लिए best से best चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। Same thing happened with them also, right? ये जो brown country mouse था इसने पूरी कोशिश की कि अपने टाउन वाले माउस को, यानी टाउन वाले कज़न माउस को कोई भी प्रॉब्लम ना होने दिया जाए। उसने अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा बिछौना, सब कुछ जो है अपने कज़न ब्रदर को दिया। द टाउन माउस फाउंड द फूड हॉरिबल एंड लाइफ बोरिंग। अब ये माउस तो टाउन में रहता था, उसे इस तरह के खाने, इस तरह के माहौल की आदत ही नहीं थी। So he was finding this life very boring and very dull. He did not enjoy at all. उसको कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। Come with me to the town. We can have some fun there, he said to the brown country mouse. तो उसने बोला, अरे भाई तुम्हें यहाँ क्या मज़ा आ रहा है, तुम मेरे साथ शहर चलो और देखो वहाँ कितनी रौनक है, सब कितनी सारी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा, चलो आओ मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें वहाँ से घुमा के लाता हूँ। ब्राउन माउस जो था वो भी रेडी हो गया और दोनों सफ़र पर निकल पड़े। सो ऑफ दे वेंट, दे एंटर्ड अ लार्ज टाउन हाउस, स्क्रैम्बलिंग अंडर द बैक डोर। धीरे धीरे वो एक शहर में पहुँचने के बाद बड़े से घर में घुसे पीछे वाले दरवाजे के रास्ते से। ठीक है, उस बड़े से घर में घुसने के बाद
उन्होंने क्या देखा? The town mouse led the way up the stairs to the dining room and the dining table. As you can see in the picture, अब ये जो town mouse था, जो शहर वाला चूहा था, ये अपने cousin brother brown mouse को लेके dining room में पहुंचा, जहां table पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था. Food was spread out like a feast for a king. जैसे राजा महाराजाओं के लिए खाना सजाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से कई सारी dishes जो है table पर सजाई हुई थी. The country mouse could not believe his eyes. I have never seen so much food. He squeaked. अब जो गांव का माउस था, उसने कहा, अरे बाप, इतना सारा खाना? मैंने तो कभी इतना सारा खाना नहीं देखा. Oh my God, it is a lot of food. I have never seen. So he got so excited. While they were nibbling away, the door opened and a man came in. तो अब उन्होंने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में खाना शुरू कर दिया, जिसको हम निम्बल बोलते हैं. उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में बाइट करना शुरू किया और खाना शुरू किया. इतने में वहाँ एक आदमी आ गया, उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आया. द टू माइस हिड बिहाइंड सम स्विस चीज़. और ये दोनों चूहे एक चीज़ के टुकड़े के पीछे छुप गए. द मैन केम क्लोजर, पियर्ड इन द फ्रूट बाउल, टुक एन एप्पल एंड लेफ्ट. ऑल क्लियर, सेड द टाउन माउस. सो वो आदमी डाइनिंग टेबल के और नज़दीक आया, उसने अच्छे से डाइनिंग टेबल को देखा और फिर फ्रूट बास्केट में से एक एप्पल उठा के वहाँ से चला गया. हाउएवर द कंट्री माउस वॉज टू स्केयर्ड टू ईट मोर. इन द कॉर्नर अ लार्ज कैट हैड वोकन अप बाय द नॉइज. शी पैडेड अक्रॉस द टेबल एंड स्पाइड द टू माइस. अब इतनी ही देर में शोर की वजह से क्या हुआ, ये जो एक कैट थी, मोटी सी बिल्ली थी, वो जाग गई और वो इन चूहों को पकड़ने के लिए दौड़ी. बिल्ली जो है चूहों को पकड़ने के लिए दौड़ती है, तो ये बिल्ली भी इनका शिकार करना चाहती थी. शी पाउंस्ड ऑन देम, द कंट्री माउस स्क्वील्ड. फॉलो मी, क्राइड द टाउन माउस एंड दे डाइव्ड इनटू द माउस होल. अब ये जो है इनके पीछे पड़ गई इन्हें पकड़ने के लिए, और इसे देख के जो गांव का माउस था, यानी जो ब्राउन माउस था, वो डर गया, वो चिल्ला पड़ा. तो टाउन माउस ने बोला, भैया जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ और चलो हम बिल में छुप जाते हैं. लेट्स गो इनसाइड द होल एंड हाइड अवरसेल्व्स. इट इजंट माय आइडिया ऑफ फन, द कंट्री माउस स्निफ्ड. आई एम सॉरी कजिन, बट आई एम गोइंग बैक टू द पीसफुल कंट्री साइड. तो जो ब्राउन माउस था उसने बोला, देखो भाई, मुझे यहाँ पे कोई मज़ा नहीं आ रहा है, इस तरह से हमेशा डर डर के जीने में, पकड़े जाने के डर से, बिल्ली के डर से, इंसानों के डर से मैं नहीं जी सकता. मैं तो बहुत शांति में रह रहा था अपने गांव में, मैं वहीं वापस जा रहा हूँ, वही मेरे लिए अच्छी जगह है. ही वेव्ड गुड बाय टू द टाउन माउस, सेट ऑफ फॉर हिज कम्फर्टेबल लिटिल होम अंडर द हेज. और इस तरीके से अपने भाई को गुड बाय बोलने के बाद जो कंट्री माउस था वो टाउन माउस को छोड़ के वापस अपने विलेज चला गया. अ सिंपल क्वाइट लाइफ इज ऑलवेज मच बेटर देन अ रिच एंड डेंजरस लाइफ. और उसने क्या बोला कि हमेशा एक शांतिपूर्ण जीवन बहुत ज़्यादा लग्जरी वाले जीवन से या कॉम्प्लेक्सिटीज़ के जीवन से बेटर है. हम क्या करते हैं यूजुअली, हम हमेशा ज़्यादा पाने की उम्मीद में हमारी छोटी छोटी खुशियाँ, हमारी मन की शांति, इसको भूल जाते हैं, और ये गलत है. हमें हमेशा छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहिए, जो कि हमें शांति देती है, जिससे हम खुश होते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द वर्ड मीनिंग्स. फेबल मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी, विच गिव्स यू मॉरल लेसन, जो आपको शिक्षा देती है. ठीक है. हेज मीन्स अ रो ऑफ बुशेस, काफ़ी सारी झाड़ियाँ. कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया या विलेज, गांव या शहर के बाहर का हिस्सा. हॉरिबल मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी बैड. ओके. स्क्रैम्बलिंग मीन्स रनिंग इन अ हरिड मैनर, जल्दी जल्दी भागना. डेंजरस मीन्स समथिंग विच कॉजेज हार्म, जिससे आपको नुकसान हो या खतरा हो. स्क्वीक मीन्स श्रीक्ड. ठीक है. निम्बलिंग मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों का बाइट लेना. पियर्ड मीन्स लुक्ड क्लोजली. स्केयर्ड मीन्स डर जाना, फ्राइटेंड. स्पाइड मीन्स
नोटिस करना या किसी का पीछा करना. पाउंस्ड मीन्स किसी के ऊपर अटैक कर देना. डाइव्ड मीन्स जंप कर देना. और पीसफुल का मतलब शांत और अच्छा वातावरण, जहाँ पे आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, हर तरफ शांति ही शांति हो. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो लेट्स डू देम वन बाय वन. द फर्स्ट वन सेज अ डैश माउस लिव्ड अंडर अ हेज इन द कंट्री साइड. किस कलर का माउस गांव में रहता था, कंट्री साइड में रहता था? ब्राउन, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक. सो ब्राउन माइस, जो ब्राउन माउस था वो कंट्री साइड में रहता था. सेकेंड, द टाउन माउस फाउंड द फूड एंड डैश. कैसा लग रहा था जब टाउन माउस गांव में गया था, क्या उसे अच्छा लगा था? टेस्टी, अमेजिंग, सॉल्टी, स्टेल, डिलीशियस, स्वीट, हॉरिबल, लाइफ बोरिंग. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. द टाउन माउस डिज नॉट एंजॉय हिज टाइम इन द विलेज. उसे बिल्कुल ही लाइफ बहुत ही डल, बोरिंग और बेकार लग रही थी. थर्ड वन, व्हाइल दे वर निंबलिंग अवे द डोर ओपन एंड अ डैश केम इन. जब वो छुप छुप के खाना खा रहे थे डाइनिंग टेबल से, तो दरवाजा खुला और कौन अंदर आया? कैट, मैन, डॉग एंड ओल्ड लेडी. सो अ मैन केम इनसाइड द हाउस. फोर्थ, अ लार्ज डैश हैड वोकन अप बाय ऑल द नॉइजेस. शोर की वजह से कौन उठ गई थी? कैट, बियर, डॉग, लायन. सो कैट इज द राइट ऑप्शन. सो चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव डन ऑल दीज MCQs इन योर बुक. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो नाउ चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज नंबर बी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. एंड एज यू कैन सी, दे हैव गिवन अस अ हेल्प बॉक्स. इन दिस हेल्प बॉक्स देर आर सर्टेन वर्ड्स गिवन. हमें इन वर्ड्स को यूज करके इन सेंटेंसेस को कम्प्लीट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अ ब्राउन कंट्री माउस डिड एवरीथिंग टू डैश हिज टाउन कजन टू लुक आफ्टर. अपने कजन ब्रदर को ध्यान रखने के लिए ब्राउन माउस ने सब कुछ किया, टू लुक आफ्टर. सेकेंड, हिज डैश फ्रॉम द टाउन केम टू विजिट हिज कजन. कौन आया था शहर से? कजन आया था ना. सो हिज कजन केम टू विजिट हिम from the town. Third, the brown mouse gave his cousin a piece of dash to sleep on. Grass, best piece of grass par wo usko sone deta tha. Okay? So now let's do the fourth sentence. They entered a large townhouse. Ek shahar ke bade se ghar mein wo log piche wale raaste se enter kiya. Fifth one, the dash mouse was too scared to eat more. The country mouse, jo brown country mouse tha jo gaon se aaya tha, वो डर रहा था और खाना खाने से, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए. ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर सी, लेट्स रीड दी सेंटेंसेस. हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और फिर बताना है इसमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से सेंटेंसेस फॉल्स हैं. वी विल राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स. दिस इज द स्टोरी ऑफ थ्री माइस. नो, दिस इज फॉल्स. सिर्फ दो ही माइस हैं, ठीक है, दो चूहे हैं. द कंट्री माउस गेव द टेस्टीएस्ट नट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट द टाउन माउस. येस, दिस इज ट्रू. उसने बेस्ट से बेस्ट खाना, बेस्ट से बेस्ट सोने की जगह, सब कुछ जो है अपने कजन ब्रदर को दिया जो टाउन से आया था. थर्ड, द फूड वॉज स्प्रेड आउट लाइक अ फीस्ट फॉर अ क्वीन. नो, यहाँ पे क्वीन गलत है. इट वॉज स्प्रेड लाइक अ फीस्ट फॉर द किंग. सो दिस इज फॉल्स. Fourth, the large cat had woken up by all the noises. Yes, this is true. Ek billi jaag gayi shor ki wajah se. Fifth, a rich but dangerous life is better than a simple quiet life. This is false. Ye galat hai. Theek hai, dangerous aur rich life ka koi fayda nahi hai. Peaceful aur simple life zyada better hai. Alright? So children, I hope that you have done all these exercises in your book. Now let's move further. Aage badhte hain. Now we have the question and answers. Exercise number D is the question answers. You would do these answers on your own, but I will help you out to solve them. I'll quickly discuss this with you. Ek bar jaldi se discuss kar lete hain inko.
First one, where did the town mouse visit the countryside? Why? The town mouse visited the countryside to meet his brother, Brown Mouse, and he wanted to spend some time in the village. Second, how did the brown country mouse look after the town mouse? The brown country mouse took care of his cousin brother in the best possible way. He gave him the best nuts and vegetables to eat. He gave him the softest grass to sleep. Third one, why couldn't the brown mouse believe his eyes when he saw the dining table? The brown mouse had never seen such a feast in the village, and that is why he was surprised. Okay, next one, where did the mice hide and why? Dono chuhe kaha chup gaye the? When they were nibbling the food, a man entered in the room. To hide from the man, they hid themselves behind the Swiss cheese cake. Okay. Fifth, what did the cat do when she woke up? When the cat woke up, she pounced at the two mice. Okay. Sixth, why did the brown mouse go back to the countryside? The brown mouse did not enjoy the city life at all. He found the city life very risky and dangerous, and he wanted to live a peaceful life in the village. So he went back to his village to enjoy his simple and peaceful life. Okay. So with this, children, we have discussed the question answers also. I hope that you would be able to do them now in your notebook. So with this, we end to the session today. I hope that you have understood the story very well, and you will agree ki ek achhi aur simple life better hoti hai kisi bhi risky ya dangerous life se. So hum sabhi ko ek simple life jeena chahiye, ek saada jeevan apnana chahiye. Okay? So with this, we come to an end with today's session. I'll meet you again soon with a new chapter where we will again learn some new lesson and know about some more interesting stories. So stay tuned. Bye-bye and take care.